फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में सरकार के हालिया फैसले पर सिंगल ब्रांड में जो ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की कैप को बढ़ा दिया गया 49% से 100% कर दिया गया, आज हम लोग इकोनॉमी एफएक्यू में इसी पर चर्चा करेंगे। FDI को हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के रूप में जानते हैं, जिसको बोलते हैं आप प्रत्यक्ष पूंजी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश। जो निवेश प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, कोई विदेशी कंपनी भारत में आके उत्पादन की गतिविधियों में संलग्न हो जाती है, वहां अपने साथ तकनीक लाती है, अपने साथ मैनेजरियल स्किल लाती है। जैसे आप देखें कि जो साउथ कोरिया की कंपनी POSCO, कुहांग स्टील कंपनी, जिसने कि उड़ीसा में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया, ये एक भारत में बड़ी कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का उदाहरण है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है FPI, जिसको आप बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब देखिए कि ये दोनों ही प्रकार ये विदेशी पूंजी के ही पर्याय हैं, फॉरेन कैपिटल। अंतर क्या है? जो विदेशी पूंजी है वो डायरेक्ट भौतिक रूप से फिजिकल फॉर्म में प्रत्यक्ष, इसीलिए कहा गया। जो पोर्टफोलियो है ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स है, ये इन्वेस्टमेंट्स शेयर के टर्म्स में होगा, खास तौर से शेयर बाजार में, जब आपका सेंसेक्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है या और भी सारी कंपनियों में उनके शेयर्स को लिया जा रहा है, तो वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स में आएगा। दूसरा अंतर यह है कि इसको आप लॉन्ग टर्म कहेंगे, ये आपका शॉर्ट टर्म कहेंगे। दूसरा अंतर, भारत जैसे देश को भाई विदेशी पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि भारत के पास तकनीकी की सीमाएं हैं, उतनी मैनेजरियल स्किल्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी की भी कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आपको तेजी से आगे बढ़ाना है तो आपको फॉरेन कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, चाहे देश में मेट्रो ट्रेन चलानी हो, बुलेट ट्रेन चलानी हो, खनन का काम हो या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, सभी के लिए विदेशी पूंजी पर भारत की निर्भरता स्वतंत्रता के बाद से ही लगातार देखने को मिलती है। जब दुर्गापुर में स्टील प्लांट्स बनाया गया वो भी ब्रिटेन के सहयोग से बना हुआ है, उसी तरीके से राउरकेला में जर्मनी के सहयोग से, तो इस तरीके से एक लंबी श्रृंखला हम लोग देखते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कई फायदे हैं, आपको तकनीक का ज्ञान मिलता है, आपके देश में उत्पादन होता है तो रोजगार मिलता है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि FDI एक मल्टी
डायमेंशंस रखता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, आपको मैनेजर मिल रहे हैं, आपको आपके विचार बदल रहे हैं, ऐसे तमाम सारे आपको फायदे मिलते हैं। अच्छा, ये पूंजी ऐसा नहीं कि आज लगी हुई हो कल भाग जाए, संभव नहीं, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस है इसका। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का ये कोई फायदा नहीं आपको इस, ये जो शेयर मार्केट में जो पूंजी लग रही है, किसी निवेशक ने लाभ कमाने के लिए भारत में, भारतीय बाजार में स्थित किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, जब उस शेयर्स में फायदा होने लगा तब तक लगाए रहा, जैसे ही उसमें गिरने लगा उसने अपना लाभ कमाया और भाग गया। हालिया फैसले में जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के कैप को लेकर है, उसमें जो सिंगल ब्रांड है उस सिंगल ब्रांड में अभी तक जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की कैप थी वो 49% थी, और इस कैप को बढ़ाकर कर दिया गया 100% और वो भी ऑटोमेटिक बाय ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट में जिसमें कि क्लियरेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है, इस रूट को कई बार बॉम्बे रूट भी कहते हैं। तो सिंगल ब्रांड में जो रिटेल है, जिसमें काफी समय से इस बात की मांग उठ रही थी, उसमें गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, और इसके बाद से आप देखें कि स्वीडन की एक बड़ी कंपनी जो फर्नीचर बनाती है उसने 10,500 करोड़ रुपए के इकलौते बड़े इन्वेस्टमेंट का निर्णय लिया। दूसरी कंपनियां जारा और मार्क एंड स्पेंसर्स ये भी एक बड़ा निर्णय लेने जा रही हैं भारत में इन्वेस्टमेंट्स को लेके। एप्पल भी आने वाले दिनों में आईफोन के लिए अपने प्लांट को भारत में स्थापित करने जा रहा है। तो इस तरीके से आप ये देखें कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का कैप सिंगल ब्रांड में काफी समय से प्रतिष्ठित था, उस लिमिट को बढ़ाया गया, और आप ये देखिए कि इसके बाद से वॉलमार्ट ने, देख रहे हैं आप, फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। तो अब आप देखिए कि भारत में जो बड़े सिंगल ब्रांड के मार्केट हैं उसमें काफी फॉरेन कैपिटल के आने का रास्ता खुल गया है। इसी के साथ एक चीज और जो हम लोगों ने FDI और FPI के बारे में बात की कि एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म हमने समझने के लिए बनाया, और फिजिकल प्रेजेंस को लेके और मॉनिटरी प्रेजेंस को लेके भी अंतर किया। एक और नोटिफिकेशन किया गया जिसके बेसिस पे हम रिसेंट में कि FDI और FPI को कैसे परिभाषित किया जाए, तो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया कि अगर 10% से ज्यादा शेयर्स खरीदे गए हैं, तो चाहे FPI के ही टर्म्स में हो, वो FDI कंसीडर किया जाएगा। अगर 10% से ज्यादा शेयर्स खरीदे गए, और अगर हिस्सेदारी लेस देन 10% की है तब उसे FPI के रूप में माना जाएगा। तो ये एक नया नोटिफिकेशन जिसको हम लोग FDI और FPI के बीच में जब अंतर करेंगे तो उसमें इस चीज को भी
ध्यान में रखेंगे। और विदेशी पूंजी को लेके हमारी आवश्यकता इतनी ज्यादा है कि FDI को कई बार फर्स्ट डेवलपमेंट इंडिया तक कह दिया गया है, जो इसकी आवश्यकता को रेखांकित करता है।